जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, बज रहे हैं अभी 9, तो 9 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तुलसी का पत्ता तोड़ ली हूँ और चलिए घर के अंदर मंदिर में जहाँ भगवान जी मेरे बैठे हैं पूजा कर लेती हूँ। कल से नवरात्रि हैं तो पहले से ही आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। यहाँ पे मैंने फूल चढ़ा दिया है, पूजा कर ली है, अब दीप जलाऊँगी फिर मंदिर जाऊँगी यहीं पास वाले। देखिए पूजा हो गई है। ओम से शंभवाय नमः पार्वती पिताय नमः गणेश पिताय नमः शंभुनाथाय नमः त्रिलोकीनाथाय नमः देवादिदेव महादेवाय नमः नमः शिवाय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमिज किसुतावरम। तो राम स्तुति भी मैंने थोड़ी सी गा दी है, यहाँ भी पूजा कर दूँ। और ये जो गिट्टियाँ रखी हुई ना बोरी में भर के फ्रेंड्स, ये फटने लगी हैं। एक सिस्टर पहले ही मुझे बताई थी कि साधना आप बोरी में तो भर रहे हो, समय के साथ फिर धूप लगेगी, पानी बरसेगा, पानी पड़ेगा तो बोरियाँ फट जाएंगी। मुझे अंदाज़ा भी था तो, पर क्या करूँ, यही ऑप्शन थे तो मैंने भर के रख दिया था। बट हाँ, फटने लगी हैं, आपकी बात एकदम सही निकली। खैर चलिए, यहाँ भी पूजा हो गई, मंदिर भी हो आई हूँ। अब देखती हूँ और क्या करती हूँ। जय हो प्रभु की। स्वामी दीनदयाल विष्णु भारी हर होना था शंकर भारी। चलिए पूजा पाठ हो गई, जल्दी से किचन में चलती हूँ, बनाती हूँ पूड़ियाँ। बस पूड़ी आज खाने का मन है, पूड़ी चटनी या पूड़ी अचार, बस ये सब्जी नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। पूजा हो गई है, देखिए थोड़े से फूल बच गए हैं। तो आज है मंगलवार, तो शाम को रामायण पढ़ना होगा, तो शाम में यूज हो जाएगा। चलिए फिर आप सब बने रहिएगा। भगवान की तो पूजा हो गई है, पेट की पूजा बाकी है। ये देखिए पूड़ियाँ तल लेती हूँ जल्दी जल्दी। वो बोल रहे थे सब्जी बना देना, तो मन तो नहीं है सब्जी बनाने का। फिर फ्रिज में मैंने देखा, चेक किया तो कटोरी में सब्जी कल की रखी हुई थी, तो उसे गर्म करके इनको दे दूँगी। मैं पूड़ी अचार ही खा लूँगी, जब भूख लगी है बहुत, बनाने का मन नहीं है तो यही करूँगी। और फ्रिज में सब्जी चल जाती है फ्रेंड्स, इतनी ख़राब नहीं होती, आप सभी जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रिज में रखी हुई सब्जी अक्सर खाते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ बनाती ही नहीं हूँ कि बासी बचे, कभी भी बासी मेरे बच्चे नहीं खाए हैं। ये कोई बड़ाई नहीं है, ये हम पर ही निर्भर करता है। हम सुबह अगर खाना बना देंगे तो बासी खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बासी खाने में उतनी एनर्जी नहीं रहती है। तो ना मैंने कभी खाया है बचपन से बासी, ना मैं कभी बना के रखती हूँ एक्स्ट्रा, ये मेरी आदत है, मुझे जानने वाले लोग सभी जानते हैं। फिलहाल कभी कभी सब्जी वब्जी यूज कर लेती हूँ, जैसे पूड़ियाँ भी यूज कर लेती हूँ, कुछ खीर बनी है, कुछ अच्छी सब्जी बनी है, तो अक्सर कभी भी नहीं रखती। ये है उनका खाना, मैं भी जा रही हूँ खाने, खा के आप लोगों से मैं मिलती हूँ। बना के खाना खा चुकी हूँ, अब थोड़ा सा करूँगी आराम। आराम टाइम है, बज रहे हैं अभी 10:30, मतलब 10:30 बज गए। ये सारा कुछ काम करते करते खाते पीते, और फिर देखती हूँ और क्या करती हूँ। फिलहाल राम कुटिया में आराम होगा और यूट्यूब का मेरे काम होगा। खैर बीच में मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, बच्चे आए उनको मैंने दाल चावल बना के दे दिया। फिर इवनिंग का टाइम हो गया है, सब्जियाँ मंगा ली हूँ। और सब्जी में कोहड़ा है, शिमला मिर्च, आलू गोभी, बैंगन, थोड़ी सी भिंडी। भिंडी बहुत महंगी थी तो ये एक पाव भिंडी है। बच्चे बोल रहे थे मम्मी बस खाने का मन था तो थोड़ा सा ही हमने ले लिया है, आलू के साथ खा लेंगे। 80 रुपये की 70 रुपये किलो कुछ ऐसी भिंडी अभी बिक रही है, इसके भाव बहुत महंगे हैं, क्या कर सकते हैं। बट अभी भिंडी खाने में अच्छी भी बहुत लगेगी फ्रेंड्स, जब सस्ती हो जाएगी खाने में मज़ा नहीं आएगा। यही कुछ हाल है सब्जियों का। यहाँ पे देखिए बर्फ़ का गोला मिल रहा है, और कुछ भी बाहर आए बेचने वाले और मेरे बच्चे ना जाएँ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो बड़े बेसब्री से लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं गोला लेके घर में खाएंगे। बर्फ़ का गोला इतनी जल्दी खुल जाता है फ्रेंड्स, नहीं चेक भी नहीं करने दे रहे। कुछ ही बोल रही थी मम्मी आप भी खा लो, मैं बोल रही थी 5 वाला हो तो बताओ, तो कह रहे नहीं मम्मी 2 वाला नहीं है, 5 वाला नहीं है, 10 वाला खाइए। मतलब मैं ना अपने लिए कंजूसी बन दी जा रही हूँ, बच्चे तो खर्चा करते ही रहते हैं बट मेरा पता नहीं क्या है। खैर चलिए इन लोगों को खाने दीजिए, मैं अपनी फेवरेट चाय पीती हूँ, मेरी स्पेशल जो है ना
मैंने चाय बना के पी लिया है। उसके बाद यहाँ कपड़े रखे हुए थे, कपड़े बर्तन धुलूंगी। और सच में फ्रेंड्स, आप लोग कहोगे कि साधना दीदी इतनी क्यों कंजूस है, पहले से थी कि नहीं? पहले से मैं बिल्कुल कंजूस नहीं थी, मैं सच बता रही हूँ, कोई बड़ाई नहीं है। मेरे पापा कोई भी चीज़, हम चार बहनें एक भाई थे, लेकिन मेरी जिद हमेशा पूरी हुआ करती थी। टीचर थे मेरे पापा सरकारी, तो हमेशा जिद पूरी हुआ कर होती थी, क्योंकि मैं ज़िद्दी थी। जो भी मैं मांग लूँ, कपड़े, खाने की चीज़, कुछ भी, मतलब वो हाजिर ही हो जाए, नहीं पापा को पता था कि अभी साधना पूरा घर सर पे उठा लेगी। और जब मैं ससुराल आई तो यहाँ भी मेरा यही बिहेवियर था, यही नेचर था, हर चीज़ मुझे चाहिए होती थी। हाँ, हर चीज़ मुझसे बनता था, खाना बनाना आता था, सिलाई बिनाई सब कुछ मतलब आता था मुझे। यहाँ किसी ने सिखाया नहीं है ससुराल में, ना मुझे सीखना पड़ा है। लेकिन ये मेरी आदत जो थी ना, ये कि मतलब अपने मन का खाना है, अच्छा पहनना, ये सारी आदत मेरी थी शुरू से ही, मायके वाला ही सब कुछ चल रहा था। फिर बाद में जब बच्चे हुए, बच्चे बड़े होने लगे, ये लोग पढ़ने लगे, इनकी फीस, ट्यूशन वगैरह वगैरह, तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं भैया, अब खर्चे नहीं करने, मायके की बात अलग थी, ससुराल की बात अलग है, मतलब देर आए दुरुस्त आए। तो अब इतने दिन बाद मेरी मम्मी की बातें मुझे सच लग रही। मम्मी कहती थी, बेटा जब अपना घर होगा तब समझ में आएगा। तो अब समझ में आया है, शादी के इतने साल बाद जब बच्चे बड़े होने लगे, समझ में आने लगा कि अभी क्या इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें उम्र के साथ ही समझ में आती हैं, ये मैंने फील किया है। कुछ लोगों को मैंने देखा, पूरा जीवन उनका बीत जाता है, लेकिन वो वही रहते हैं जैसे वो होते हैं, लेकिन समय के अनुसार बदलना चाहिए। चलिए फ्रेंड, सारा काम हो गया है खत्म। देखिए पानी मेरे बालों में पड़ा हुआ है, और फिर से आज मौसम ख़राब है। तो सारा काम तो हो गया है। दूध यहाँ मैंने ले लिया था, सुबह ही रख ली थी। खीर बनाने का मन था मेरा, मेरी फेवरेट है खीर, मुझे सेवैयाँ वगैरह नहीं पसंद आती। और हर्ष भी बोला था, मम्मी खीर बनाइए, तो आज बनेगी खीर, सिंपल सी बट बहुत यम्मी। खीर में मैं, दूध में मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि पानी वाला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। 1.5 किलो मैंने दूध लिया था, बस उसी में चावल डाल दी हूँ, और अच्छे से इसे बलकाऊँगी, पकाऊँगी, फिर इलायची डालूंगी, चीनी और गरी का मुरादा, बस 2-3 चीज़ें ही डालूंगी। और बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स खीर ऐसी ही, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालो या ना डालो। तो आज खीर, रोटी, सब्जी, शाम के समय का ये खाना बनेगा। ये देखिए चीनी भी मैंने डाल दिया है, आराम से पक गई हमारी खीर। और जो मैंने इलायची पाउडर डाला है ना, वो थोड़ा सा दरदरा था, तो काला काला हर जगह दिख रहा। एक बात मुझे और याद आ गई फ्रेंड्स, मैं ये तो कहती हूँ कि मुझे मतलब मैं मायके की तरह ही जीती थी, कि मतलब पैसे वैसे का इतना अहमियत नहीं रखती थी, क्योंकि पैसे की समस्याएं मैंने मायके में नहीं देखी थी। फ्रेंड्स, जब तक आप नहीं देखते हो समस्याएं ना, तब तक आपके समझ भी नहीं आता। जो आप लाइफ में आपके होता है वही आप फील कर पाते हो, ये मैंने सीखा है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को देखा है, उन्हें कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएँ पैसे के विषय में, किसी भी विषय में, वो इतने खर्चीले हैं, वो हैं, थे और मुझे लगता रहेंगे। उनमें कभी भी मतलब ये नहीं है कि पैसे कितना इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे, कम पैसे हैं तो कम खर्च करेंगे, उनका ये नेचर है। तो उनके इस नेचर से भी मैं परेशान हूँ, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए, कहो चांद तारे तोड़ के ले आएँ। उन्हें ये मतलब नहीं कि खर्च हो जाएगा हम बचा लें। खैर चलिए, उनकी बात वो जाने। अभी फ़िलहाल हमारा खाना रेडी हो गया, हम खाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच।